मुझे तुम्हें देखकर बहुत हैरानी हो रही है। जो औरत अपने बच्चे को हथियार बना ले अपना, वो माँ अपने बच्चे के लिए परेशान भी हो सकती है। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। झूठी, मतलबी, धोखेबाज, यही राय है ना आप सबकी मेरे बारे में। जैसा बनने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया। मैं मानती हूं जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं। अगर आप ही बताएं, एक औरत होके समाजरे में थोड़ी सी इज्जत पाना क्या हक नहीं है मेरा? आप बताएं, अगर आप मेरी जगह होती खुदा ना खासा तो क्या करती? इस दुनिया में एक अकेली औरत के लिए रहना इतना आसान है? बुरी नहीं हूं मैं, मगर अल्लाह की कसम इस दुनिया ने मुझे बुरा बना दिया।
एक आम औरत की तरह मेरे भी ख्वाब थे। मगर मुझे इंसाफ चाहिए सिमी मैडम, फिर चाहे लड़कर या छीन कर। जब आप लोगों ने रेहान को कबूल कर लिया तो फिर मुझे क्यों नहीं? मेरा बस इसी मसले पर इख्तलाफ है आप लोगों से। मैंने माना है कि मेरा रास्ता गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं है। नीयत की तक बात तुम मुझसे करो ही मत। क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम बच्चा यहां छोड़कर चली जाओगी। इस घर को देखकर, इस घर की शान और शौकत देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई। पहले तुमने मुराद को फंसाना चाहा, और जब वो तुम्हारे झांसे में नहीं आया तो इस घर में रहने के लिए तुमने एक नया रास्ता ढूंढा। अनीशा से कहा कि तुम अपना बच्चा उसे गोद दे दोगी और अनीशा तुम्हें इस घर में ले आई। और बाद में तुमने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले मुराद और फिर साध। तुम जैसी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम मेरे पोते की मां हो। मैं सोचती हूं कि तुम्हें माफ करूं या फिर ना करूं। वो तुमसे शादी करना चाहता है, ये भूल के तुम कहां से हो, कौन हो, तुम्हारा हस्बैंड नफ्स क्या है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने इस शादी के लिए उसे कैसे कायल किया है। कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं था कि वो अच्छे बुरे की तमीजी भूल जाए। तुम्हारी माँ तो बहुत गैरतमंद औरत है ना, लेकिन तुमने तो सारी शर्मो हया बालाए ताक रख दी। मेरा बेटा बेकार या लावारिस नहीं है जो किसी की भी छोड़ी हुई चीज अपने हिस्से में रख ले। मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। भूल जाओ उसे और छोड़ दो उसका पीछा। तैमूर ने जो बदतमीजी आज मुझसे की,
मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी वजह से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, कि मेरी जंग है और मैं इसे खुद लड़ूंगा। बनाना होता है उसमें भी घंटों लगा देते हो, सारे निकम्मे हो गए हो, कान चोर कहीं के। आप चाहिए जी। बीबी जी, इतनी जल्दी मर गया था? जा रही हूं मैं अपने कमरे में, और मेरा नाश्ता ना वहीं ले आना। बिल्कुल जरूरत नहीं अकबर बाबा। जिसे भूख लगी है वो किचन में जाए और अपने लिए नाश्ता खुद बनाए, किचन का रास्ता मालूम है सबको। बीबी जी, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। आते हैं उस लड़की ने मिलके जो तुम्हें धोखा दिया है, और वो इसी तरह आगे भी चल के तुम्हारे साथ साजिशें करती रहेगी। और बच्चा, बच्चा ढूंढना कौन सा मुश्किल काम? सोचो अगर वो घर छोड़ के चली गई तो कहां जाएगी? जब तक तुम उसे यकीन नहीं दिलाओगे
कि तुम्हें उसकी या उसके बच्चे की कोई परवाह नहीं है, वो हार नहीं मानेगी। एक मामूली सी लड़की तुम्हारे घर में पना ले लेती है और फिर बाद में जाकर तुम्हारी जगह ले लेती है। तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहोगे? समझती क्या खुद को बढ़िया ही महारानी? रूही, मेरे पास एक न्यूज है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। खबर अच्छी हो या बुरी, रूही का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी अगर इतना ही दिल है तो सुना दो। तुम जो मुझे हर वक्त ताने देती थी ना कि मैं इस घर को कोई खुशी नहीं दे सकती, मुराद की जिंदगी में मेरी हैसियत जीरो। तो वर्ष सुनो रूही, मैं मां बनने वाली, मैं अनीशा मां बनने वाली। वैसे तो मैंने ये खबर अभी तक किसी को सुनाई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस आने वाली जिंदगी की खुशी में रेहान का हक मारा जाए। लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ और हो ना हो, तुम्हारा अपना सहारा, तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें नहीं चाहिए। Thank you.